अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गुलनाज राशिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टिप्स बाय गुलनाज राशिद। आज मैं बना रही हूं कच्चे आम की चटनी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और रमज़ान में इसका यूज़ काफ़ी बढ़ जाता है। आम का सीज़न भी है आजकल और रमज़ान में स्पेशली पकौड़ों, समोसों और कचौरियों के साथ ये चटनी बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 1/2 kg रा मैंगो, कच्चे आम लिए हैं मैंने और उनको इस तरह से छील के लंबाई के रुख काट लिया है। ये आप किसी भी शेप में काट सकते हैं क्योंकि बाद में ये सारा डिसॉल्व हो जाएंगे, जिस भी शेप में होंगे मिक्स हो जाएंगे। और साथ में मैंने 1/2 kg ही चीनी ली है। ये आपने सेम मेजरमेंट लेनी है, जितनी मैंगो की क्वांटिटी होगी उसी क्वांटिटी में आपने शुगर लेनी है। काली मिर्च पाउडर लिया है मैंने 1/2 tbsp, काला नमक 1/2 tbsp, रेड चिली पाउडर 1/2 tbsp, अदरक को मैंने कश कर लिया है बिल्कुल बारीक फॉर्म में, फ्रेश अदरक है ये 1 tbsp, और साथ में लिया है 1 ग्लास पानी। चूल्हे पे मैंने एक कढ़ाई रखी है और उसमें मैं ये कटे हुए मैंगोस ऐड करूँगी। और साथ में इसमें 1 ग्लास वाटर ऐड कर देंगे। अब हम इसे 7 से 8 मिनट तक ढांप कर पकाएंगे। 7 से 8 मिनट में ये मैंगो अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे और बहुत आसानी से घुल जाएंगे। ये आम बड़े अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं, ज़रा ज़रा सा इस तरह से प्रेस करने से ये बिल्कुल मैश होते जा रहे हैं, देखिए। और ये गाढ़ी भी होती जा रही है चटनी हमारी। अब इस स्टेज पर 8-9 मिनट के बाद मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। ये 1/2 kg शुगर, ये आपने उतनी ही मेजरमेंट लेनी है जितनी की मैंगो की है। ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में जाएंगी, मैंगो एंड शुगर। अब ये चटनी की फॉर्म में आती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अब 2 मिनट हम इसी तरह से पकाएंगे ताकि शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब 2 मिनट के बाद मैं इसमें अदरक ऐड करूँगी। अदरक डालकर मज़ीद हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि अदरक भी अच्छी तरह से पक जाए इसमें से और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये चटनी की फॉर्म में आते जा रहे हैं, मज़ीद हम इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएंगे इस तरह से ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। इसमें रेड मिर्च, काली मिर्च और नमक ऐड करते हैं। इसको मज़ीद अब 8 से 10 मिनट तक थिक कंसिस्टेंसी आने तक पकाएंगे हम। चम्मच आपने साथ साथ ही लाते जाना है ताकि ये मैश भी अच्छे तरीके से होता जाए। अगर आप चटनी को 15 दिन से ज़्यादा के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आप इस स्टेज पर इसमें 1/2 कप सिरका ऐड कर दें, फिर आप इसे 3 माह तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इसे 15 दिन के अंदर अंदर यूज़ कर लेना है तो सिरका ऐड करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ऐसे ही इसको आप किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रखें और 15 दिन तक आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लीजिए, खट्टी मीठी चटनी हमारी तैयार है। स्टोव को मैं ऑफ़ कर देती हूँ और इसके रूम टेम्परेचर पर आने का वेट करती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खट्टी मीठी चटनी समोसे के साथ, कचौरी और पकौड़ों के साथ बहुत लजीज लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।